व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलवा। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। लाइफ जो है वो एक शीशे की तरीके से है, एक मिरर की तरीके से है। जिस तरीके से आप लोग लाइफ की तरफ को देखेंगे, लाइफ भी आप लोगों की तरफ को उसी तरीके से देखेगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग लाइफ में खुश रहना चाहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और लाइफ में अगर दुखी रहना चाहेंगे तो आप दुखी रहेंगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग लाइफ में कैसा रहना चाहते हैं। और देखिए, सबसे शानदार तरीका लाइफ में खुश रहने का ये है कि आप लोग जहां पे रह रहे हैं ना, वहां पे जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो बस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, इसके आगे की मत सोचिए, क्योंकि इसके आगे की जब कोई काम आप लोग करेंगे तब उसके बारे में सोचेगा। अगर आप लोग सोचेंगे यार पास्ट में तो ये हो गया था, वो हो गया था, यहां पर रिजल्ट नहीं आया और वहां पर ये हो गया था, वो सब चीजें सोचकर आप लोग अपने माइंड को डिप्रेस कर रहे हैं, अपने माइंड के ऊपर और नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। पर लेकिन अगर आप लोग उन सब चीजों से बाहर निकलेंगे और फ्यूचर के बारे में सोचकर कि यार कल को क्या होने वाला है, ये हो जाएगा, मर जाएंगे, सुनामी आ जाएगी, ये सब सोचकर भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग के हाथ में है नहीं। जब पास्ट और फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है नहीं, तो प्रेजेंट में जीना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते भैया? तो प्रेजेंट में जिए आराम से, और लाइफ को एंजॉय करना है, और लाइफ को बस उसी टाइम पर आप लोगों को जीना है जिस टाइम पर आप लोग हैं। वही मोमेंट आप लोगों के हाथ में, इसके अलावा कोई मोमेंट आप लोगों के हाथ में नहीं है। ओके, तो 13th of June है, हम लोग यहां पर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसमें PIB, ऑल इंडिया रेडियो और अलग अलग न्यूज पेपर के यहाँ पर आर्टिकल रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और देखिए मॉर्निंग में जो वीडियो आनी थी वो किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाई, क्योंकि जो लाइट है वो 6 घंटे से लाइट नहीं थी, रात को भी नहीं सो पाया, और सुबह भी जो लाइट है वो काफी लेट आई, इस वजह से आप लोगों की वीडियो जो है वो लेट हो गई। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। टाइम हमारा 4 बजे है, तो वो 4 बजे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। बस आप लोगों को ये करना है कि क्या करना है कि अगर मान लीजिए किसी दिन कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, तो आप लोगों को ये करना है कि पुरानी जो वीडियो पड़ी हुई है वो देख लिया कीजिए, क्योंकि शाम को भी आज के दिन वीडियो आती है, वो देख लिया कीजिए, या फिर पुराने रिविजन कर लिया कीजिए, पॉलिटिक के लेक्चर पड़े हुए हैं। उठकर आप लोगों को सोना नहीं है, जो आप लोग मॉर्निंग में जो उठने की तैयारी कर चुके हैं, मॉर्निंग में जो लोग उठते हैं उनको उस तरीके से नहीं करना है। हालांकि मैं भी थोड़ा इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर जो है वो शाम को ही रिकॉर्ड कर लिया करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है, कई बार लेक्चर टर्मिनेट हो जाता है, कई बार वॉइस नहीं आती है, कई बार लाइट नहीं आती है, कई बार इंटरनेट नहीं आता है, तो कोशिश ये करूंगा अपने टाइम में थोड़ा शिफ्ट करूंगा, इवनिंग में ही लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा और मॉर्निंग में इसको टाइम पर आप लोगों को मिल जाए उसको अपलोड कर दिया करूंगा, एग्जैक्ट 4 बजे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो रूटीन है वो चलता रहे, उसमें कोई विघ्न ना पड़े। अगर फिर भी कभी कभार कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो आप लोगों को ये करना है, अपने पुराने लेक्चर्स का रिविजन करना है, ठीक है, और वो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने रिविजन किया या नहीं किया है, जिस भी लेक्चर का आप लोग रिविजन करें उसमें बाद में डन लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी बातें आप लोग मेरी मान रहे हैं और कितनी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैं लेक्चर आप लोगों के हिसाब से लेकर चल रहा हूं, तो कम से कम इतना हक मेरा बनता है, आप लोग भी कुछ काम मेरे हिसाब से कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, मेरे हिसाब से कीजिए या अपने हिसाब से कीजिए, अपनी पढ़ाई में आप लोगों का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अगर लेक्चर नहीं आ रहा है थोड़ा लेट आ जाएगा, पर लेकिन लेक्चर जरूर आएगा, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देकर चलता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहां नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, आप लोग फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, यहां पर चीजें अपडेट कर देता हूं मैं, कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग देख लिया कीजिए, या फिर टेलीग्राम में, यहां पर मैं अपडेट कर देता हूं अगर कभी कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, आइए आंसर देखते हैं जो कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, और कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद हो गए जो रेगुलरली यहां पर अपने आंसर दे रहे हैं, और वो भी प्रॉपर वे में, तो आप लोग भी अपना आंसर दीजिए देखिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एक दिन देते हैं एक दिन गोला मार जाते हैं, तो वो पुरानी आदत है, छूट नहीं रही है आप लोगों की। तो पहला जो क्वेश्चन था यहां पर ये था DIPP के बारे में, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा था मैंने किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, यहाँ पर इसके मिनिस्टर कौन है यहाँ पर आज के डेट में, ये है सुरेश प्रभु। पहले इनके पास में रेलवे डिपार्टमेंट हुआ करता था, और रेलवे डिपार्टमेंट में इन्होंने जब अपना फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था, बड़ी ही शानदार बात बोली थी कि हे प्रभु इस प्रभु का ध्यान रखना तो वो बात इनकी मुझे आज भी याद आ जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से कुछ भी कनेक्टिविटी बना के चीजों को याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि जापान के ऊपर जब USA ने बॉम्ब गिराए थे उसके बारे में पूछा था। पहला बॉम्ब गिराया गया था यहाँ पर हिरोशिमा में, इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, और जो सेकंड बॉम्ब यहाँ पर गिराया गया था ये गिराया गया था नागासाकी में, 1945 में गिराए गए थे, 3 दिन के गैप में गिराए गए थे दोनों बॉम्ब, इसका नाम था फैटमैन। ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई USA की फॉरेन डिग्नेटरी है वो जाती है यहाँ पर USA की जापान में, तो वो हमेशा इन साइट्स को विजिट करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी संतावना देते हैं उनको कि हाँ ये गलत हुआ था और फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए।
थीम पूछी थी मैंने आप लोगों से वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, ये बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए ये आप लोगों के हाथ में, ये काम आप ही कर सकते हैं। लीग ऑफ नेशन के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, यूएन को पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको लीग ऑफ नेशन बोला जाता था, 1920 में इसका गठन किया गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुई थी लीग ऑफ नेशन निकल के आया, पर लेकिन इसके बाद में फिर से सेकंड वर्ल्ड वार हो गई। बोला गया था कि वर्ल्ड वार अब नहीं होगा फ्यूचर में, पर फिर से सेकंड वर्ल्ड वार हो गई, फिर गठन किया गया यूनाइटेड नेशन का 1945 में। तब से लेके आज तक का ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलता है कि ताकि अब थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, क्योंकि अगर अब वर्ल्ड वार होती है तो कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था राइट टू प्राइवेसी के बारे में, फंडामेंटल राइट 21 के तहत आप लोगों को हमारे संविधान में राइट टू प्राइवेसी देखने को मिलेगी, और पॉलिटी में डिस्कस की जा चुकी है ये सारी बातें, जो कि आप लोगों को आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट थर्ड में, यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं, जिस किसी ने नहीं देखे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अवार्ड से रिलेटेड। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है ये अवार्ड के बारे में, जिसको बोला जा रहा है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पर जिन पर्सन को ये अवार्ड दिया गया नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, तो यहाँ पर इनके नाम में भी किरसन है और यहाँ पर गोपाल है, ठीक है, तो दोनों आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। तो ये यहाँ पर एधिराज राम किरसन, ठीक है ना, तो राम भी आ गया और किरसन भी आ गया यहाँ पर। तो ये एक यंग इंजीनियर है कोयम्बटूर, यानी कि केरला से रिलेटेड है यहाँ पर, ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर कौन है, राधा मोहन सिंह जी। न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया क्योंकि ये बेस्ट डेयरी एनिमल इंडिजीनियस ब्रीड को यहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में ये 15 से 20 लोग अपने साथ में रखते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम के जॉब पर, और इनका ब्रांड है गंगा मिल्क। इसके तहत ये यहाँ पर घी भी बेचते हैं, दही बेचते हैं, पनीर वगैरह, इन सब में ये अपना व्यापार करते हैं। और एम क्या इनका आने वाले टाइम में लगभग 1000 लीटर पर डे अपना मिल्क इनको करना है 2018 में, ठीक है, दिसंबर तक। तो ये इनका एम है। तो इंडिजीनियसली जो यहाँ पर ब्रीड है हमारी कंट्री में, उनसे जो घी निकलता है, इनसे जो दूध निकलता है, उन पर फोकस देकर ये चलते हैं। इस अवार्ड के तहत यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि देखिए ये आगे आने वाले टाइम में इससे यहाँ पर जो इनको ये अवार्ड मिला है और ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात करती है एग्रीकल्चर के बारे में, तो हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए ये कोई ज्यादा एज का बंदा भी नहीं है जिसने ये काम किया है, तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाता है। जिस तरीके से आप लोग भी कभी भी हताश निराश नहीं होना है, कहीं भी आप लोग अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी फील्ड में। ओके, नेक्स्ट अवार्ड है यहाँ पर, ये है यहाँ पर क्लेवरिटी एनालिटिक इंडिया इनोवेशन अवार्ड, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दिया किसको गया है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR बोलते हैं। CSIR एक बॉडी है जिसका गठन किया गया था 1942 में, और प्राइम मिनिस्टर यहां पर चेयरमैन रहते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर आज की डेट में यहां पर ग्रीस सानी जी हैं, और यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए जब इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो भी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिलेटेड रिसर्च जो होती है वो इसी के द्वारा की जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनॉमस बॉडी इसको आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यहाँ पर फंड से रिलेटेड कई सारी बातें की जाती हैं, और जो फंडेड की जाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड की जाती है, ठीक है, और इसका गठन किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो जो ये बॉडी है इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है यहाँ पर क्लेवरिटी एनालिटिक इंडिया इनोवेशन अवार्ड, क्योंकि इंडिया में ये एक टॉप इनोवेटर है और कई सारी रिसर्च की है इन्होंने, खासकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके एरिया में, साइंस और साइंस एरिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है यहाँ पर, यह है इंडियन स्टेट के बारे में। किस स्टेट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, बात की जा रही है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश, जिसने अपने यहाँ पर ऑटो, ये है देखिए जिस तरीके से आप लोग सुई यूज करते हैं ना, ठीक है, तो वो सुई क्या बात होती है, कई बार वो किसी दूसरे मरीज के में भी यूज की जाती है, तो होता क्या है कई बार बीमारी फैल जाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये स्कीम है। तो ऑटो डिसेबल सिरिंज की बात यहाँ पर की जा रही है, जो सुई होती है किस तरीके से उसको एक तरीके से एक जगह यूज होने के बाद में उसको खत्म कर देना है, क्योंकि कई बार एड्स की बीमारी भी इनसे फैलती है। एक पर्सन को लगा दी जिसको एड्स है, फिर दूसरे को लगा दी, तो बीमारी इस तरीके से फैल जाती है, और भी कई सारी बीमारी जो कि इस तरीके से फैलती है वो फैल जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ टेक्नोलॉजी असिस्मेंट, ये HTA रिपोर्ट के हिसाब से माने तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ये इंप्लीमेंट किया गया है ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आंध्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि AD जो यहाँ पर ये सिरिंज जो मैंडेटरी है अभी, जो ऑटो डिसेबल जो सिरिंज की बात की जा रही है, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब शानदार तरीके से इसको यूज करने की बात की जा रही है, ताकि बीमारी है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको आगे न बढ़ाया जा सके, और सेफ इंजेक्शन यूज यहां पर लगाया जा सके। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई 2018 में सेलिब्रेट किया जाएगा, तब तक इसको अचीव करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो 28 जुलाई है यहां पर। चीफ मिनिस्टर कौन है यहां पर, N. चंद्रबाबू नायडू,
इन्होंने बोला है कि ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा और हर जगह इसको यूज किया जाएगा। और इफेक्ट क्या है यहाँ पर, वर्ल्ड हेपेटाइट डे से, ठीक है ना। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, दो तरीके से डे भी यहाँ पर बोला गया है और ये एक नया स्टेप उठाया गया, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, ये भी स्टेट स्पेसिफिक बात की जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री है यहाँ पर, मेनका गांधी जी आज के डेट में यहाँ पर मिनिस्टर है। तो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के द्वारा काम क्या किया गया है, यहाँ पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए, ये जो वृद्ध आश्रम होते हैं खासकर विडोज के लिए, विडोज के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि विधवा होती है, विधवा महिलाएं होती है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है मथुरा में, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में उत्तर प्रदेश में, एक यहाँ पर शेल्टर बनाने की बात की जा रही है जिसमें 100 लगभग यहाँ पर कैपेसिटी, 1000 लगभग यहाँ पर कैपेसिटी रहने वाली है। 2 साल का MOU रहेगा जिसके तहत यहाँ पर रिन्यू भी किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तहत, यहाँ पर इसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। स्टाफ भी यहाँ पर शानदार तरीके से टेक केयर करेगा जो यहाँ पर पर्सन रह रहे हैं उनके साथ में, और एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड यहाँ पर स्टाफ देखने को मिलने वाला है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर जाकर पीरियोडिकली यहाँ पर मॉनिटर करते रहेंगे परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। और यहाँ पर जो प्रोविजन रहेगा वो रहेगा आधार कार्ड बेस एंट्री, ठीक है, तो आधार कार्ड बेस यहाँ पर, ताकि कोई भी घपला न हो सके और सारी चीजें प्रॉपर वे में चलती रहे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये काम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पोर्ट स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, खेलों के बारे में जानते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। तो फर्स्ट न्यूज है यहाँ पर अनु कुमारी के बारे में, ये अनु कुमार के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अनु कुमारी आ गया क्योंकि सेकंड रैंक है जब की बार की, यूपीएससी की टॉपर है, तो उनका नाम अनु कुमारी है। तो यहाँ पर अनु कुमार है, ठीक है, तो अनु कुमार है यहाँ पर, ये इनको गोल्ड मिला है 80-100, ये है 80-100 मीटर गोल्ड इनको मिला है यहाँ पर, जो चल रही है जूनियर एशियन एथलीट चैंपियनशिप। तो यहाँ पर इनको ये गोल्ड दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है ये चैंपियनशिप चल कहाँ पे रही है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बात क्या की जा रही है, इनको गोल्ड मिला है और इसके अलावा अर्पण दीप को यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है वुमेन डिस्कस थ्रो में, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से यहाँ पर काम किया जा रहा है, एडिट किए हैं इन्होंने, आने वाले टाइम में और भी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, खासकर जिस तरीके से फैसिलिटी हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऐसी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट एक और गोल्ड की बात की जा रही है, यहाँ ये आशीष जाकर इनका नाम है, काम क्या करते हैं, ये हैमर थ्रो, ठीक है ना। तो देखिए अगर किसी को गोल्ड मिलता है तो आप लोग कम से कम उसके गेम का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि अब कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स या फिर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की डेट में ये आता है पर्सन का नाम दे देंगे, गेम का नाम पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देकर जरूर चलिएगा। तो आशीष जाकर है यहाँ पर, इनको गोल्ड मिला है किसमें, ये इनका है, ये यहाँ पर है, ये हैमर थ्रो में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 2016 में भी इनको गोल्ड मिला था एशियन जूनियर चैंपियनशिप में, और फिर से इनको यहाँ पर गोल्ड मिला है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा इनका नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा न्यूज का यहाँ पर डिफेंस स्पेसिफिक न्यूज, तो डिफेंस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो हमारे कोस्टल एरिया है, 9 कोस्टल एरिया है, 9 कोस्टल स्टेट है, तो हमारे जो किनारे वाले एरिया है वहां पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काम करते हैं, दो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक तो हमारी इंडियन नेवी और दूसरा होता है कोस्ट गार्ड, ठीक है। कोस्ट माने होता है जो यहाँ पर आप लोग तट बोल सकते हैं इसको, तो तट की रक्षा, तट रक्षक बोलते हैं इसीलिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तट रक्षक जो हमारी ये सेना है, इसने अपने यहाँ पर इंटरसेप्टर शिप को कमीशन किया है, ये एक शिप है जहां इसको यहाँ पर कमीशन किया गया है, अभी यहाँ पर इसके अंदर काम करने वाला है। तो यहाँ पर ये जो कमीशन किया गया है इसका नाम है ICGS C-439, ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में, इसको यहाँ पर 2018 में कमीशन किया गया है, ठीक है। तो जो ये शिप रहने वाला है ये यहाँ पर कई सारी एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला है, ताकि और ज्यादा शानदार तरीके से जो सिक्योरिटी है कोस्ट गार्ड की वो की जा सके। तो जो यहाँ पर सेरेमनी की गई, यहाँ पर कई सारे सीनियर ऑफिसर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आर्म फोर्स के यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ये शिप, ये यहाँ पर डिजाइन किया गया है LNT लार्जन एंड टर्बो मैराइन के द्वारा, जो शिप डिजाइनिंग डिवीजन है इसके द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया गया, और ये इन हाउस फैसिलिटी है। इन हाउस फैसिलिटी क्या होती है, इन हाउस फैसिलिटी होती है, मान लीजिए आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो काम स्टार्ट, अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, एक तो ऐसा होता है कि आप लोग सामान बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं और अपने यहाँ पर उसको लगा रहे हैं, ठीक है। एक काम ऐसा है कि आप लोग आदमी खरीद के लेके आ रहे हैं, मतलब आदमी को अपने हाथ जॉब करने के लिए रख रहे हैं और अपने आप ही यहाँ पर सामान बिल्ड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तो हो गया कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने, मतलब क्या बोला जाए यहाँ पर, जैसे कि माचिस बनाने की आप लोगों को एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। एक तो ऐसा हो गया कि आप लोग माचिस लेके आ रहे हैं और ला रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा आप लोग ये आ रहे हैं कि कई सारे लोग आप लोगों ने रख लिए काम पर, अपने अंदर फैक्ट्री में ही आप लोग माचिस बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन हाउस, ठीक है ना। तो अपने आप ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक तरीके से लार्ज एंड टर्बो का ये इन हाउस यहाँ पर काम किया गया इनके द्वारा।
जो यहाँ पर जो ये लंबाई है इसकी है 27.4 मीटर, और जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी अगर बात की जाए वेट की, तो यहाँ पर 136 टन यहाँ पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्पीड इसकी रहने वाली है ये 45 नॉट्स रहने वाली है। ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इस यूनिट के बारे में हल्का सा। ये अगर आप लोगों को बोलू स्पीड की ये यूनिट है, और इसको अगर आप लोग नापेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये है 1.8, मतलब लगभग 2 किलोमीटर पर आवर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 1.8 अगर एग्जैक्टली आप लोगों को याद रखना है, ये स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट की बात मैंने बोली गई है, बाकी आप लोग देखते हैं 45 की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 19 से नीचे आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और क्या बातें की गई हैं कि देखिए इसमें एल्यूमिनियम यूज किया गया, एल्यूमिनियम अलॉय, ताकि इसको जो वेट है वो और भी ज्यादा इसका रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा कई सारी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बना के रखी जा सके। मतलब कहने का यह है कि पूरा शानदार तरीके से कोस्टल रक्षा करेगा, जिस तरीके से मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो कोस्टल के थ्रू ही हमारी कंट्री में एंटर किए थे। तो तब से लेकर हम लोग काफी चकाचौंध कर रहे हैं यहाँ पर अपनी कोस्टल सिक्योरिटी को, ताकि ऐसी एक्टिविटी फ्यूचर में कोई न हो सके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर धनुष आर्टिलरी के बारे में, एक बार पिक्चर देख लीजिए आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका टेस्ट किया गया है, अभी फिर से इसकी रेंज बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये धनुष आर्टिलरी, ये एक गन है आप लोगों को जो देखने को मिली, अभी टेस्ट किया गया पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, पोखरण टेस्ट जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे वहीं पर इसका टेस्ट किया गया। तो पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लगभग फायर करती थी 101 राउंड, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2011 से स्टार्ट किया गया था, और जो फर्स्ट प्रोटोटाइप इसका बनाया गया था वो 2014 में बनाया गया था, मतलब 2014 में फर्स्ट इसका सिंबल निकल के आया था। स्टार्टिंग में ये 101 राउंड फायर करती थी, आज की डेट में जो इसके राउंड है वो बढ़ा के अब देखने को मिला है ये है 4200, ठीक है। तो आखिर इतने राउंड फायर करा के देखा क्या जा रहा है, पहले 101 राउंड फायर करा के देखा गया था जो 6 आर्टिलरी गन थी यहां पर, ये अब टोटल 11 हो गई है, और इनसे 4200 के राउंड यहां पर राउंड फायर कराए गए हैं। आखिर क्यों, क्योंकि अलग अलग एरिया में राउंड फायर कराए गए हैं, सिक्किम में और लेह में, जहां की बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर जाकर देखा गया कि ये गन काम करती है। फिर ह्यूमिड एरिया में आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और फिर इसके अलावा जहां पर गर्मी है राजस्थान में वहां पर देखा गया। मतलब कहने का यह है कि इस गन को अलग अलग एरिया में, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर यूज किया गया, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर यूज किया गया, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर यूज किया गया। तो अलग अलग एरिया में इसका यूज किया गया, और लगभग अब तक इससे फायर राउंड कराए जा चुके हैं 4200, ठीक है। मतलब कहने का यह कंप्लीट तरीके से इसको टेस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर कल को इसका यूज करते हैं हम लोग तो वहां पर ये हमको धोखा न दे दे, ठीक है। तो लगभग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आज की डेट में एक इसकी जो रेंज है लगभग 38 किलोमीटर है, और 81% जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनियसली डेवलप है। आने वाले टाइम में इसके 90% कंपोनेंट करने की बात की जा रही है इंडिजिनियसली डेवलप, क्योंकि अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए काफी खतरा होता है। तो इसको बोला जा रहा है धनुष आर्टिलरी, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा तो आइडिया रखना ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर इसका, ये है IBSA, इसको बोला जाता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, तो तीन कंट्री है यहाँ पर, तो तीन कंट्री मिलकर कोऑपरेट करती हैं, और अभी यहाँ पर ये है पेरिटोरिया साउथ अफ्रीका में तीनों के लीडर मिले यहाँ पर, और किस तरीके से कोऑपरेट कर आगे बढ़ सकते हैं इस पर फोकस दिया गया। हमारी कंट्री से हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी यहाँ पर पहुंची, अलग अलग कंट्री के यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे। फोकस यही रहना है कि कैसे मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी में फायदा पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे की सिक्योरिटी में फायदा पहुंचा सकते हैं, और आगे और ज्यादा अपने रिलेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एरिया है यहाँ पर। इसका गठन कब किया गया था IBSA का, तो ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में थोड़ा IBSA के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, फिर कल इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये है 7 तारीख की न्यूज, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर इस न्यूज को इंक्लूड किया है। 7 जून की न्यूज है ये। तो यहां पर यूथ कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी 3 डे की, कब से ये 3 दिन की यहां पर कॉन्फ्रेंस की गई थी, 7 जून 7 जून 1893 में कुछ हुआ था जिसके बेस पर ये कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई है। आखिर क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी को उस टाइम पर जो कि यंग लॉयर थे ये, इनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था। बोला था कि यहां पर रिजर्वेशन है, ओनली व्हाइट लोग, व्हाइट पीपल ओनली यहां पर ले सकते हैं, आप लोग यहां पर नहीं बैठेंगे, और ये बोलकर इनको वहां से ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था। देखिए ये इनकी लाइफ का आप लोग चेंजिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, वो नहीं बोलते, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं लाइफ का। इन्होंने सोचा कि यार इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो फिर तो देखिए लाइफ बेकार है। तो फिर इन्होंने आप लोगों को देखा कैसे कैसे स्टेप उठाए, तो बहुत सारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग कंट्री में अंग्रेजों का रूल रहा, तो यहां पर अलग अलग कंट्री के डायस्पोरा जो यूथ है, इंडिया, इथियोपिया, कीनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, जाम्बिया, इजिप्ट, ये बहुत सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, मालावी, सिचिल्स या मोजाम्बिक्यू, तो ये सारे लगभग मिला के 120 साउथ अफ्रीकन कंट्री भी यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफी थी,
सत्याग्रह, अहिंसा और यहाँ पर सर्वोदया। तो इस तरीके की जो फिलोसफी थी, किस तरीके से आज के वर्ल्ड में हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों पर फोकस दिया गया है। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वर्ल्ड के जो यूथ है उनको ये बताया गया कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी और आप लोग उनके आइडियाज पर चलकर एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग पीस और ट्रुथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फोकस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप लोग जिसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका, तो मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से फेंका गया था। एग्जैक्ट उस लोकेशन का नाम आप लोगों को बताना है, वो लोकेशन कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। एग्जैक्ट वो लोकेशन क्या है जहां पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, एग्जैक्ट वो लोकेशन का नाम आप लोगों को बताना है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं, इकोनॉमी और बैंकिंग वाला पोर्शन हमारा। आज की डेट में सब लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उसी के नाम पर यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। यहाँ पर ये है यहाँ पर मोबीक्विक। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऐप आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, बिल्कुल जिस तरीके से पेटीएम वगैरह आप लोग यूज करते हैं ऐसा ही एक ऐप है। ये लॉन्च किया है यहाँ पर इसका खुद का यूपीआई। ठीक है, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब अगर कहीं पर आप लोगों को पैसे भेजने हैं तो जिस तरीके से @UPI लगाकर आप लोग अपना पैसा भेज देते हैं, इसी तरीके से वर्चुअल यहाँ पर पेमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। किसी को आप लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, पैसा सेंड करना और पैसा रिसीव करना काफी आसान यहाँ पर हो जा रहा है इसके थ्रू। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया इसके द्वारा, तो काफी आसान रहेगा। जो यहाँ पर कोड किया जाएगा ये @IKEWIKEY, ये यहाँ पर वर्चुअल यहाँ पर कोड यूज किया जाना है जिसके तहत जो मनी है उसको सेंड किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। देखिए आज की डेट में काफी अच्छा बेस है इसका, लगभग 3 मिलियन यूजर हैं, तो इसीलिए इस ऐप को इस तरीके से यहां पर कन्वर्ट किया गया ताकि शानदार तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज करके पेमेंट सिस्टम को एक नई डायरेक्शन दी जा सके। तो इस ऐप को भी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा ऐप है ये। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा लास्ट महीने में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा उसका रिविजन कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था, नेपाल को इसने यहां पर ट्रेकोमा फ्री बताया था कि नेपाल यहां पर इस वाले एरिया में ट्रेकोमा जो कि एक आंखों की बीमारी है, अंधापन कर देती है, आंखों में इन्फेक्शन होता है, नेपाल को फ्री कर दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसकी एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की जो मीटिंग है ये कहां पर हुई थी, इस्लामाबाद में। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिस तरीके से उन्हें बदमाश से बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं, ऐसा ही काम किया गया यहां पर, जो टेररिस्ट एक्टिविटी को जन्म देता है उसी को यहां पर बोला गया एंटी टेररिस्ट मीटिंग कराने के लिए। 71st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यहां पर ये हुई जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिली। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने यहां पर इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। 26th बेसिक मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, कहां पर ये यहां पर देखने को मिली, डरबन में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो कौन कौन था यहां पर, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ये बेसिक कंट्री यहां पर आते हैं। तो देखिए तीन चार चीजें हैं, एक तो हो गया यहां पर ब्रिक, एक हो गया यहाँ पर IBSA, एक हो गया बेसिक, तो मिले जुले मेंबर हैं, इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 57th मेंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, ये है इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये यहाँ पर मिली इस्तांबुल में, तुर्की में, जब पैलेस्तीन में यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, खासकर जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पैलेस्तीन में जो यहाँ पर जेरूसलम है उसको कैपिटल बनाना है इसराइल की, उस टाइम पर ये एक आनंद फानन में मीटिंग की गई, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर मारे गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोगों को ये बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में। ओके, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। आंसर देखिए, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर थे आप लोगों के सामने। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश जिसने बोला है ऑटो डिसेबल सिरिंज, मतलब जो सुई है उनको ऑटो डिसेबल किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा ताकि कोई यूज ना कर सके। ये यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो वीडियोज होती हैं उनके लिए यहाँ पर कैपेसिटी, मतलब एक सेल्टर बनाने की बात की गई है, जिसके तहत यहाँ पर ये इसको प्रमोट भी करेंगे, साथ में इसकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये अब की बार जो अवार्ड दिया गया है ये है क्लेवेट एनालिटिक इंडिया इनोवेशन, ये दिया गया यहाँ पर CSIR के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना भी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि यहाँ पर ये हम लोगों ने जाना रामकृष्ण, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, धीराज रामकृष्ण। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया और इनका खुद का ब्रांड है यहाँ पर गंगा मिल्क, जिसके तहत ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल देखा, ये है यहाँ पर अनु कुमार, ये गेम के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि 800 मीटर में इन्होंने रनिंग में ये जीते यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये है जाकहर, इन्होंने क्लेम किया यहाँ पर हैमर थ्रो में अपना गोल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना कोस्ट गार्ड के बारे में, जिन्होंने अपने यहाँ पर एक शिप जिसका नाम है ICGSC-439, इसको यहाँ पर कमीशन किया है, खासकर किस वाले एरिया में, मुंबई महाराष्ट्र में।
तो ये है यहाँ पर सिर्फ आप लोग इसके बारे में भी हल्की सी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर धनुष आर्टिलरी के बारे में और हम लोग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और अच्छे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने आईबीएससी के बारे में जाना और यहाँ से क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना मोबीक्विक ऐप के बारे में, किस तरीके से वो अपना यूपीआई के थ्रू काम करने वाला है आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर रिविजन किया, ये टोटल डिटेल में थोड़ा आप लोग पॉज करके फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉलिटिकल रिवीजन का है यहाँ पर ये है लेक्चर नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को जाकर पढ़ना है, क्या क्या सोर्स हैं यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमारे फीचर्स क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे या फिर वीडियो के एंड में भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज की जो वीडियो है ये शाम को आप लोगों को मिलेगी। देखिए ये हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए वीडियो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम है, बाहर निकलना है, तो हो सकता है ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी लेट हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस जरूर रखिएगा, पर लेकिन वीडियो आएगी जरूर, इसकी मैं 110% गारंटी देता हूं। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को मिलती है, क्वेश्चन के आप लोग यहाँ पर मिलते हैं, तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए आप लोग। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए और आंसर जरूर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।